राम राम जी कमागणी, वेलकम और वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल मारवाड़ी कपल आर जी किस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सारे सब्सक्राइबर और मेरी प्यारी बहनों को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे करवा चौथ कल है, लेकिन ब्लॉग की शुरुआत हम लोग आज ही करेंगे, वो भी मेरे प्यारे प्यारे हाथों में मेहंदी लगाने के साथ। तो मेहंदी मुझे इतनी अच्छी लगानी आती नहीं है, मैं बहुत सिंपल और सटल मेहंदी लगाती हूँ, और करवा चौथ में अच्छी मेहंदी लगाना तो बनता है ना। तो मेरी प्यारी जो नेबर है और मेरी दोस्त है जूही, उसने मुझे बोला कि आंटी मैं आपकी बहुत प्यारी मेहंदी लगाऊंगी। तो ये देखिए जूही मेरी मेहंदी लगाते हुए, कुछ एक डेढ़ घंटे के बाद में उसने देखे कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है मुझे। मेहंदी हमारी लग चुकी है और एक डेढ़ घंटे इसे हमने सुखा भी लिया है। तो चलिए अब चलते हैं सोने, मिलते हैं आपसे कल। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहा के फ्रेश एंड अप होके दिया बत्ती करके मैंने फटाफट से लगाया आटा, देन दूसरी तरफ मेरा रायता भी रेडी किया मैंने, क्योंकि करवा चौथ तो हमारा पियाजी और यूवी का तो है नहीं, तो इन्हें खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पियाजी ने बोला कि क्योंकि तेरा आज निर्जल व्रत है तो तू नॉर्मल कुछ बना ले, ज़्यादा मेहनत मत कर, और फिर हमें चेंज करके शाम को वीडियोज़ भी बनाने। तो मिलते हैं आपसे चेंज के बाद। तो ये था मेरा आउटफिट करवा चौथ का। आप मेरे को बताना कैसा लगा कमेंट में, और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी बताना। तो आउटफिट पहनने के बाद फटाफट मैंने पूजा की भी तैयारी कर ली, क्योंकि फिर शाम को बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है सब कुछ साथ में करना, और साथ साथ मैंने कर लिया अपना मेकअप, ये देखिए। उसके बाद मैंने लगाई अपनी फेवरेट लिपस्टिक और वेयर किया अपना फेवरेट नेकलेस। और यहाँ ये देखिए, ये है मेरे और पियाजी का फाइनल लुक। कैसे लग रहे हैं हम दोनों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद हम लोगों ने की पूजा की तैयारी सारी, सारा सेटअप किया। और यहाँ पर मैं सिर्फ पूजा का क्लिप ऐड करूँगी, क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि पूजा करते वक्त आपको पूरा ध्यान पूजा में ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वीडियो शूट के लिए ये सब कुछ करें, मेरा पर्सनली ये मानना है। बाकी आपकी जो मर्ज़ी है, आपको जो ठीक लगे। तो मैंने ये नॉर्मली बस ऐसे पूजा करने के बाद इस क्लिप को ऐड किया था, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई मैंने कैसे पूजा की है। पूजा करने के बाद हम लोग गए ऊपर, जो हमारे नेबर है जूही की मम्मा, उनका बर्थडे भी था, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनको केक वेक खिलाया। और उनके केक खाने के बाद में हम लोग गए ऊपर, क्योंकि जूही ने बोला कि चांद निकल आया है। तो मैंने की फटाफट चंद्रदेव की पूजा, उसके बाद पियाजी को लगाया तिलक, और उसके बाद में चंद्रदेव को दिया अर्घ फटाफट से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मतलब भूख तो चलो एक तरफ साइड में रख देते, प्यास से तो मैं मरी जा रही थी। उसके बाद मैंने एकदम टिपिकल इंडियन वूमेन की तरह छलनी में से देखा अपने प्यारे पियाजी को, उनका लिया आशीर्वाद, और उन्हें बोला कि प्लीज़ मुझे जल्दी से पानी पिलाओ, मैं मर जाऊंगी। लिटरली पानी के बिना हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यहाँ मैंने फिर इनको बोला कि आप थाली पकड़ो, मैं खुद ही पी लूँगी पूरा। मतलब पानी, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी मुझे फुल ऑन। तो कुछ इस तरह से हम दोनों ने कॉमेडी करते करते और अच्छे से सेलिब्रेट किया अपना करवा चौथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मारवाड़ी कपल आर जी के।